अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे को पसंद करना या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की खातिर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना कभी भी मायूब या गलत काम नहीं समझा गया। हमारी इस इंडस्ट्री में आज जो बहरानी कैफियत है, इसके जिम्मेदार भी ऐसे ही हज़ारों किरदार हैं जो फ़न की खिदमत के साथ मनशियात का इस्तेमाल करके मौज मेला भी करते रहे और बाज़ारे हुस्न से आने वाली अदाकाराएं फिल्मों में मरकजी किरदारों की खातिर अय्याश फिल्म मेकर्स को हर तरह से खुश करती रहीं। यहाँ हर किस्म का नशा करना, जुआ खेलना, जिस्म फरोशी और खरीदारी सब कुछ जायज़ समझा गया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। सैयद घराने के होनहार फर्जंद एस सुलेमान अपने भाइयों संतोष और दर्पण के बाद वो तीसरी शख्सियत थे जिन्होंने फ़न हदायतकारी में नाम पैदा किया और क्या खूबसूरत फिल्में तख्लीक की जो आज भी याद की जाती हैं। एस सुलेमान ने क्लासिकल डांसर पन्ना के इश्क में मुब्तला होने के बाद उनके साथ शादी कर ली। माशाल्लाह, वो खुद भी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे और फिल्मों में काम करने वाली बड़ी अदाकाराएं इनकी तरफ खींची चली आती थीं। नामवर हीरो या हदायतकार भी हुस्न की इस बहती गंगा में हाथ धोने को तरजीह देते हैं। इस तरह इन्हें जब जब और जहाँ जहाँ मौका मिले ये कुफराने नेमत नहीं करते। मशरूब मगरिब का इस्तेमाल करने के बाद तो वैसे भी हर तरफ फिल्मी परियां ही दिखाई देती हैं और अपने सिफली जज्बात पर काबू पाना आसान नहीं रहता। एवरन्यू स्टूडियोज में 80 की दिहाई के दौरान एस सुलेमान अपनी फिल्म मंजिल की शूटिंग करवा रहे थे। इस फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ थी जो बड़े फिल्म मेकर्स को राम करने के फन से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। मिजाज में जोश हो और हसीन अदाकारा का साथ भी तो तबीयत मचल ही जाती है। ब्रेक टाइम में रात के वक्त फिर हुआ भी ऐसा ही। एस सुलेमान और बाबरा शरीफ सेट के अकब में मौका का फायदा उठाकर मसरूफ हो गए। एस सुलेमान की बीवी पन्ना अचानक ही सेट पर आ गईं और उन्होंने अमले से पूछा कि सल्लू कहाँ है। वो एस सुलेमान को सल्लू कहकर ही मुखातिब किया करती थीं। एक शख्स ने इशारे से इन्हें सब कुछ समझा दिया। फिर क्या था, वो दनदनाती हुई सेट के अकब में जा पहुंची और रंगे हाथों अपने शोहर को बाबरा शरीफ के साथ गैर हालत में पकड़ लिया। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद वो आपे से बाहर हुई और जूती उतार कर दोनों को मारना शुरू कर दिया। शोर शराबे के बाद सेट पर मौजूद तकनीककारों ने बमुश्किल बीच बचाव करवाया और पन्ना अपने हदायतकार खामद एस सुलेमान को गुस्से की हालत में वहां से लेकर घर चली गई। इस वाक़े के बाद शूटिंग पैकअप हो गई। ऐसे ही कई मामलात की एस सुलेमान और पन्ना के दरमियान फासलों ने जन्म लेना शुरू किया और आखिरकार वो जुदा हो गए। मेरे देखने वालों को मेरी आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।